और अभी आपके बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग्स हैं जिनकी डेट्स को लेकर आप सभी को इंतजार था, और स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिनकी रैंक ज़्यादा है या ज़्यादा रैंक पे आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं अच्छी ब्रांच के साथ में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग है जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ ने अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ काउंसलिंग में प्रॉपर पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें कुछ चार पांच काउंसलिंग की अपडेट हमारे पास आ चुकी है, वो आप सभी के साथ इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको इन सारे कॉलेजेस में, इन सारे स्टेट लेवल काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा रैंक तक आपको एडमिशन मिल रहा है। जैसे कि आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे जहाँ पर आपको 4-5 लाख रैंक या 5 लाख प्लस रैंक पे आपको CSITEC में अलॉटमेंट की बात बोली जाती है कि यहाँ पर अलॉटमेंट होता है, तो एग्जैक्टली आपका काफ़ी सारे कॉलेजेस में, काफ़ी सारे जगह पे अलॉटमेंट आता है। कॉलेज का लेवल थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली आप अगर कंपेयर करेंगे टॉप कॉलेज से तो वैसा नहीं रहता, लेकिन एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप इनमें, तो आपको मल्टीपल स्टेट लेवल काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना होता है। अभी आपकी यूपी की भी स्पेशल काउंसलिंग, यूपी में चूंकि 3-4 काउंसलिंग होती है, आपका यूपी टेक होता है, HBTU का अलग काउंसलिंग होता है, MMUT का अलग काउंसलिंग होता है, तो इन सारी काउंसलिंग्स में भी आपको, अगर आप ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो इनमें भी ज़्यादा रैंक तक आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे HBTU कानपुर, MMUT में भी आपको ज़्यादा रैंक तक एडमिशन मिल जाता है, तो ये सारी भी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट में भी मूव कर सकते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं या अदर स्टेट से आते हैं और आप उत्तराखंड जा सकते हैं, उत्तराखंड में आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं या अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ अच्छे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी, सारे प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेनिफिट आपको क्या होगा कि अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसा है, काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी कंप्यूटर साइंस या IT ब्रांच में डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा अपने उत्तराखंड स्टेट में या किसी भी अदर स्टेट में, यूपी में, कि मैं किसी कॉलेज में जाके प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लूं, लेकिन कॉलेज आपको CSE और IT ब्रांच देने से मना कर देता है, आपको अदर ब्रांचेस ऑफर की जाती है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इन ब्रांचेस में आपको एडमिशन देने के लिए बोला जाता है। तो ऐसे कॉलेज ऑप्शंस भी आपको अपनी स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू आसानी से मिल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको काउंसलिंग का गाइडेंस, काउंसलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर आप काउंसलिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस, जो अच्छे प्राइवेट ऑप्शंस हैं, इवन गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे। अगर स्टेट काउंसलिंग में अपडेट की बात करें कि किन किन काउंसलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है या कहां कहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जहां पर स्पेशली आपको 4 लाख से ज़्यादा रैंक पर एडमिशन मिल रहा होगा, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में ऑलरेडी एक रिव्यू बनाया गया था जहाँ पर आपको इनके कैंपसेस के बारे में बताया है, मेन कैंपस कपूरथला कैंपस, इनमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। इनका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, प्रोविजनल जो रजिस्ट्रेशन है, वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है जो उत्तराखंड की स्टेट काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा रैंक तक एडमिशन मिलता है प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी ज़्यादा रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पर मैंने लास्ट ईयर में काफ़ी सारे बच्चों का 5 लाख प्लस रैंक पे भी अच्छी ब्रांच में CS में, ITEC में अलॉटमेंट करवाया हुआ है, तो आप यहाँ पर इस काउंसलिंग को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में चाहते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज का भी अगर कोई कंपैरिजन या एक कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे कि सर बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो क्या कुछ अच्छे प्राइवेट ऑप्शंस हम बना सकते हैं, देन डेफिनेटली आप रख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप टीम से भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं, आपको हम बेस्ट कॉलेजेस सजेस्ट करेंगे जो कि आपके रैंक और स्कोरिंग पे विदाउट एनी डोनेशन, विदाउट एनी मैनेजमेंट कोटा आपको मिल सकते हैं, जहां पर आप नॉर्मली काउंसलिंग से अच्छे से प्रोसेस करके अपना एडमिशन वहां पर पा सकते हैं। तो फिलहाल ये उत्तराखंड का जो काउंसलिंग है वो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UK टेक के नाम से होता है, इनकी भी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इन सभी वेबसाइट सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनकी जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो भी लगभग इन्होंने स्टार्ट कर दी है, एडमिशन 23-24 का ये लिंक यहाँ पर एक्टिव है। फिलहाल ये थोड़ा सा अंडर मेंटेनेंस है वेबसाइट, इसलिए अभी यहाँ से फॉर्म हटा दिया गया। कल तक जो मैंने एक शॉर्ट में अपडेट डाला था उसमें इनका फॉर्म एक्टिव था, तो फिलहाल ये आपका एक स्टेट लेवल में अपडेट है। साथ ही साथ हरियाणा में जो बच्चे हैं, हरियाणा में कॉलेजेस जा रहे हैं, YMCA फरीदाबाद है, डीक्रस्ट है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज ऑप्शंस हैं जो काफ़ी बढ़िया कॉलेज ऑप्शंस हैं, हरियाणा में भी आप इन कॉलेजेस को ट्राई कर सकते हैं और इनकी भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितनी रैंक पर एडमिशन होगा, क्या ऑप्शंस बन रहे होंगे आपके लिए, आपकी रैंक पे, उसके लिए कॉल करके टीम के साथ डिस्कस कर लीजिए, वो आपको प्रॉपरली सारे ऑप्शंस आपको बता दिए जाएंगे क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस बन सकते हैं। जैक दिल्ली काउंसलिंग के लिए जो डेट्स दी गई है वो 20th of May दिया गया है, 20 मई से लगभग इनका जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली ये आपका चलेगा नेक्स्ट मंथ तक, 1 मंथ तक लगभग इनका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है।
तो आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, स्पेशली जो कैंडिडेट दिल्ली से हैं वो लोग इस काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, डेफिनेटली आप करेंगे। इसके अलावा जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी रैंक आपकी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ NSUT DTU ये लोग अपनी स्पॉट लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिसको हम CLC बोलते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी अलग से कंडक्ट कराते हैं। उसके लिए आपको एक्टिव रहना है। जब आप CLC, अगर आपको मेन काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है तो आपको स्पॉट राउंड तक जाकर के यहाँ पर कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, जो कि NSUT की वेबसाइट पे अलग से आपका एप्लीकेशन आएगा या अलग से आपका लिंक आएगा, उसमें आपको वहां पर रजिस्टर करना होगा। तो जो बच्चों को जैक दिल्ली में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल रहा है, मेन काउंसलिंग में नहीं मिल पा रहा है, वो स्पॉट तक भी ट्राई कर सकते हैं। इवन अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली स्टार्ट हो गया है, इन्होंने तो लिंक भी एक्टिव कर दिया प्रॉपर, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक काउंसलिंग 2023, ये इन्होंने कंप्लीट प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया है, तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। जैक चंडीगढ़ में भी आपको कुछ अच्छे कॉलेज है, UIT चंडीगढ़ हो गया, CCET चंडीगढ़ हो गया, इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर जैक चंडीगढ़ में, स्पेशली अदर स्टेट से जो कैंडिडेट हैं जो चंडीगढ़ लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 2-3 अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। एक आपका UIT चंडीगढ़ कॉलेज है, एक आपका जो है UIT होशियारपुर कॉलेज है, और एक आपका CCET चंडीगढ़ है। तो ये आपको स्पेशली चंडीगढ़ लोकेशन पे कॉलेज मिल जाएंगे, इनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से लगभग 2.5 लाख रैंक तक CS IT इसी में अलॉटमेंट आया है, स्पेशली CS और IT में भी यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा रैंक पर भी एडमिशन यहाँ पर मिला हुआ है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ आपके स्टेट काउंसलिंग के अपडेट्स हैं, फर्दर आपके जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी अब रैंक के साथ साथ आप कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या प्राइवेट कॉलेज को भी अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि प्राइवेट कॉलेज आपको लेना चाहिए, अगर आपकी ज़्यादा रैंक है देन डेफिनेटली आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं होता, आप अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कीजिए, वहाँ पर भी आपको काउंसलिंग से ऑप्शन मिल जाएगा। फर्दर किसी भी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी आप टीम से कॉन्टैक्ट करिए, पिछले 4 से 5 सालों से काउंसलिंग टीमें डेडिकेटली काम कर रहे हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पे आप करियर अल्फा एजुकेशन सर्विसेज सर्च कर सकते हैं और आप यहाँ पे हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी आप कानपुर या लखनऊ ऑफिस में, दोनों में से किसी भी सेंटर पे विजिट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करने आए। आप सभी को थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।